दलायताक्षं कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठं वृन्दावनालयनहं वसुदेवसूनुं यो जलधरवरणं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाशयं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नोमगोपीकुमारं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरूषात् पूर्वेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने केचित् पुष्पैर्दलैः केचित् पल्लवैरङ्कुरैः फलैः शिवभिस्त्वग्भिर्हद्विषद्भिश्च बुभुजुकृतभाजनाः सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वस्वभोज्यरुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्चाभ्युजरुसहेश्वराः बिभ्रदवेणुं जठरपटयो शृङ्गवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मृषणकवलं तत्फलान्यङ्गुलेषु तन्मध्ये स्वपशुहृदो हासयन्नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषतिभुजे यज्ञभुगबालकेरिः भारतैवं वत्सपेषु भुञ्जानेषु च्युतात्मसु शास्त्वन्तर्वणे दूरं विविशुस्त्रिलोभिताः तान् दृष्ट्वा भयसन्त्रस्तान् ऊचे कृष्णोऽसभिभयम् मित्राणि आशान्माभिरं मते हारयिष्ये वत्सकारहम् इत्युक्त्वा ददरीकुञ्ज गह्वरेष्वात्मवत्सकान् विचिन्वन् भगवान् कृष्ण सपाणि कवलोययो अम्भो जन्मजनस्तदन्तर्गतो मायार्भकस्येषतुर् द्रष्टुं मञ्जुमहितुमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान् नीत्वान्यत्र कुर्द्वहान्तदधाख्येव स्थितो यः पुरा दृष्ट्वा घासुरमोक्षणं प्रभवत प्राप्तं परं विस्मयम् ततो वत्सानदृष्ट्यै दृष्ट्वैत्य पिलिनेऽपि च वत्सपान् उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः कात् दृष्ट्वान्तरविपिने वत्सान् पालाश्च विश्ववित् सर्वं विधिकृतं कृष्ण सहसावजगामः। अघासुर को मोक्ष प्रदान करके भगवान श्याम सुंदर सखाओं के साथ वन भोजन के उपक्रम में लगे। बीच में स्वयं श्याम सुंदर बैठे हैं और उनके चारों ओर मंडल बनाकर सखाओं का समूह बैठा है। पंक्तियां लगी हैं पर सबको यही प्रतीत होता है कि मानो श्याम सुंदर हमारे सखा हमारे ही सामने बैठे हैं और हम उनके अत्यंत समीप हैं। भोजन की तैयारी हो गई, भोजन के पात्र लग गए, कोमल कोमल कमल के पत्र, छोटे छोटे पत्ते, चटनी वगैरह रखने के लिए, नमक रखने के लिए, फल, शिलाएं, ये सब वन्य सामग्री ये भोजन के पात्र बने। अब वो भोजन शुरू हो गया। बड़ा मधुर भाव है। कहते हैं कि वो भोजन कैसे कर रहे थे कि हंसते हंसाते हुए मौज के साथ
अपनी अपनी रुचि अलग अलग दिखाते, कोई हंस देता कोई हंसा देता, इस प्रकार भोजन करने लगे। तो ये कहते हैं कि वहां जितना इस समय आनंद का विस्तार हुआ वैसा आनंद कभी किसी ने देखा नहीं, न तो कभी इस प्रकार से स्वयं श्याम सुंदर विश्वपालक बालक बने और न ऐसा सौभाग्य देवताओं को कभी किसी को देखने को प्राप्त हुआ। तो भगवान इस समय गोप बालकों के साथ भोजन करने में लगे हैं, भोजन करने में लगे हैं। तो भोजन में विनोद आरंभ हुआ, माने ये बालकों का भोजन है ना, बड़े लोग शिष्ट पुरुष हाथ मुंह धो करके पट्टा लगा करके चौके लगा करके बैठे हैं और शांत होकर के भोजन करें, मौन लेकर भोजन करें, ये तो बड़े आदमियों की बात है। यहाँ तो ब्रज सखाओं के साथ ये ब्रजराज नंदन का भोजन है। तो जिसको जो रुचि, जिस बच्चे के जो मन में आया उसी प्रकार से वो चेष्टा करता है, खा रहा है और देखा ये तो बड़ी मीठी चीज है तो दौड़ा बंद कर दिया खाना, जाके बोले कन्हैया जा तू तो चख इसको, देख तो सही कैसा बढ़िया है, कन्हैया के मुंह में दे दिया। कन्हैया को कोई चीज अच्छी लगी तो ये उठे और इन्होंने उसके मुंह में दे दिया। इस प्रकार विनोद आरंभ हुआ, एक ने देखा बोले कुछ मजाक करें और, तो मिठाई जरा सी तोड़ करके लड्डू उसके अंदर नीम का पत्ता डाल दिया और लड्डू बंद कर दिया, तो जा करके चल से मुंह में दे दिया। दूसरे ने क्या किया, बगल में बैठा था वो समझ गया, उसने क्या किया कि बड़ा सुंदर पदार्थ था बना हुआ, उसमें मिश्री डालनी चाहिए थी, मिश्री अलग थी, उसने जान करके बहुत सा नमक उसके अंदर डाल दिया। तीसरे ने क्या किया कि कंकर ले करके थोड़े से और दाल चटनी में मिला दिए। अब ये सब उनके मुंह में देने लगे तो मुंह जाए तो मुंह बिचका दे, तब समझ लोट पोट करके। इस प्रकार परस्पर हंसी का फवारा छूटे, बड़ा विनोद, एक दूसरे को बुरा लग जाए ऐसा विनोद न करें, हंसे सब और हंसावे लोट पोट हो गए इस तरह से। अब दूसरे की ये मन में आई कि कुछ और विनोद करें तो उसके पत्तर खींच लिए, अब वो हाथ डालेंगे देख तो पत्तर नहीं है तो हंसते ही सब ताली बजा के हंसते। तीसरा बेचारा सामान रखे हुए था अपने पास, उसका सामान उठा के फेंक दिया तो वो जरा उदास होने लगा, तो कन्हैया ने कहा कि भैया मेरे पास बहुत सामान ले तू और ले ले। तो इस प्रकार सुख का मानो समुद्र वहां पर उमड़ चला, सुख समुद्र में सुखपुर में डूबे हुए सब सखा भोजन करने लगे। भाई अखिल जगत पालक विश्व नियंता सर्वेश्वर सर्वलोक महेश्वर भगवान स्वयं जहां सखा रूप में नित्य वर्तमान है, जिनके साथ अपनी भगवत्ता को भुलाकर उनके सुख का क्या ठिकाना है। हसंतु भाषी अंतस्ताभ्य वज्र है सहेश्वरा, ईश्वर के साथ भगवान के साथ। तो वे भोज्य भोक्ष तह लय कई पेय प्रीत शिशु साथ पाहन पतन पर धरे जेवत त्रिभुवन नाथ। पत्थरों पर रखे हुए, पत्तों पर रखे हुए, पुष्पों पर रखे हुए, ये चार प्रकार के भोजन भोज्य भक्ष लेज पेय इनको सब भोजन कर रहे हैं और बड़ी हंसी का फव्वारा छूट रहा है। एक दूसरे का विनोद समाता नहीं है और एक दूसरे को हंसाने में ही सबको मजा आ रहा है। और ये श्याम सुंदर भी साथ साथ हंसते हैं और उन्हीं के तरह से चेष्टा करते हैं, कभी अपने मुंह का उनके मुंह में दे देते हैं, कभी उनके मुंह का अपने मुंह में ले लेते हैं। तो बड़ी सुंदर वहां पर झांकी है, सुखदेव जी ने झांकी का वर्णन किया, उस समय के भगवान का ध्यान वर्णन किया रूप का। तो बोले बिभ्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मुसुण कवलम तत्फला निंगुलेशु
तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भृगुबालकेलिः। बड़ा सुंदर भगवान का इस समय दर्शन है। ये महामरकतमणि के समान नील श्याम अंगों में अद्भुत भंगिमा इस समय छाई है। पीतांबर पहने हुए हैं, माता ने सुंदर पीतांबर पहना दिया। अब इनको पहनना स्वयं तो आता नहीं, लेकिन 5 वर्ष के हो गए और माता ने पहना दिया, तो उसमें कटी में वस्त्र में तो इन्होंने मुरली को वेणु को खोस रखा है, कछोटी में खोस लिया और बाई बगल में सींग दबाए हुए हैं। सींग और बेंत, सींग बजाने के लिए, बेंत बछड़ों को हांकने के लिए ये दबाए हुए हैं। और बाएं हाथ में दही घी मिला हुआ भात का ग्रास है, बड़ा सा ले लिया है। अब उसमें से लेकर धीरे धीरे खा रहे हैं, बाएं हाथ में ली और फिर हाथ देना भी तो खाली नहीं है। अंगुलियों के संधियों में, अंगुलियों के बीच में ये छोटे छोटे फल, छोटा सा बेल, नारंगी, अदरक, फिर अचार, ये दबा रखे हैं। तो ऐसी विचित्र वेशभूषा योगिंद्र मुनिंद्र की मनोहारिणी, ये भगवान की सुंदर सुंदर से सुंदर बाल क्रीड़ा अद्भुत है। सारे देवता स्वर्ग के ऊपर से देख देख कर निस्तब्ध हो रहे हैं, स्पंदहीन हो रहे हैं और देखते रह जाते हैं इनकी वो पुण्य भोजन लीला चल रही है। ये बात अपने कल हुई थी कि भगवान की इन लीलाओं के वर्णन में, कथन में, दर्शन में, चिंतन में जो लोग शंका संदेह करेंगे अथवा जिन लोगों की दृष्टि में ये माया की वस्तु होगी, जिन लोगों के विचार में ये सब तुच्छ चीजें होंगी, उनको इसका आनंद नहीं आवेगा। ये तो बड़ी ऊंची चीज है, जहां ऐश्वर्य है वहां कोई खास बात नहीं, ऐश्वर्य तो है ही। अगर भगवान गोवर्धन पहाड़ को उठा लें तो कौन बड़ी बात है। जिनके संकल्प में अनंत अनंत विश्व विधृत हैं, वो पहाड़ को उठा लें तो कोई उसमें आश्चर्य नहीं, पर उनसे पीड़ा न उठे ये आश्चर्य की बात है। वो नित्य तृप्त नित्य पूर्ण काम भगवान को कभी भूख न लगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, पर भूख लगे और बच्चों के साथ इस प्रकार से मिल करके खेलते हुए हंसते हंसाते हुए जो भोजन करें लालायित होकर, ये अद्भुत बात है और यही इसी में स्वारस्य है। अखिल जग भोगी श्रुति गावें, पुनि परिपूर्ण नाम बतावें, सो हरि बाल संग इमि आजू, जेमत सुख पद संत निवाजू। इस प्रकार भोजन कर रहे और स्वर्गवासी देवता ये सब देख देख करके चकित हो रहे। जिस समय ये अघासुर के अंदर से, जब अघासुर की मृत्यु हो गई, सिर फट गया, तो उसके अंदर से जब वो ज्योति निकली और उस ज्योति को जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान श्याम सुंदर के अंदर समा गई, उसी समय से ब्रह्मा जी को बड़ा कौतूहल हो रहा और वो एक एक चीज बड़ी निष्ठा के साथ देख रहे। तो इंदिरा, ये देवताओं के विमानों के वहां पर तमाम समूह इकट्ठे हो गए, सब देख देख के परम विस्मित और आनंदित होने लगे। विस्मय इस बात का कि कितने बड़े और कितने छोटे हो रहे हैं, कितने महान और कितने समय ये नगण्य गोप बालकों के साथ इस प्रकार क्रीड़ा कर रहे हैं जैसे कोई अज्ञानी बालक खेल रहा हो। और आनंद इस बात का है भगवान की बाल लीला देख करके कि देखो ये कितने प्रेम परवश हैं, कितने ये भक्तानुग्रह कातर हैं,
कितना इनका प्रेममय स्वभाव है कि ये जो लीलाएं कभी कल्पना में नहीं आती कि भगवान सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वात्मा सर्वलोक महेश्वर सर्ववित ऐसा कर सकते हैं, वे अचिंत अनंत लीला सुधा निधि भक्तवत्सल भगवान इस प्रकार लीला करेंगे ये उनकी कल्पना में नहीं। तो भगवान की प्रेमाधीनता समन्वित इस अभूतपूर्व लीला को देख करके सारे देवता विस्मय और आनंद में डूब रहे हैं। कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वेदज्ञ जब यज्ञानुष्ठान करते हैं तो वेद मंत्रों के द्वारा सुसंस्कृत यज्ञाग्र भाग को लेकर पुरुष सूक्त आदि वैदिक स्तवों का पाठ करते हुए मंत्रों का विधिवत उच्चारण करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान के समर्पण करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष भगवान ग्रहण नहीं करते। परोक्ष रूप से ही भगवान उन वस्तुओं का समर्पित वस्तुओं का ग्रहण कर लेते हैं, भोजन नहीं करते। वे ही सर्वत्र यज्ञाग्र भोक्ता भगवान यज्ञ पुरुष स्वयं आज आग्रह के साथ और इन बालकों का उच्छिष्ट भोजन मुंह में से निकाल निकाल कर खा रहे दे रहे। कभी कभी तो कैसा करते हैं कि दोनों हाथ तो इनके रुके हुए तो ले कैसे एक हाथ में तो स्वयं उनके दधिओदन वो दही और भात मिला हुआ एक हाथ में वो अचार उचार लिए हुए सब तो मुंह कर देते हैं और बच्चे मुंह हरा दे देते हैं। ये अनाचार मालूम होगा पर भगवान के सर्वेश्वरत्व को देखें तब पता लगेगा कि प्रत्येक प्राणी के अंदर कौन है, प्रत्येक जीव के अंदर आत्मा रूप से कौन है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, तो प्रत्येक की प्रत्येक चेष्टा भगवान की स्वाभाविक चेष्टा है। तो भगवत्ता के दृष्टि से तो वैसे किसी प्रकार की शंका को स्थान नहीं, और जहां ये ऐश्वर्य का संकल्प नहीं बिल्कुल माधुर्य का विस्तार वहां तो इस प्रकार की कोई वस्तु कल्पना में आती नहीं। तो भगवान इस प्रकार मुंह बढ़ा देते हैं तो कई बार तो बच्चे हाथ से और कई बार मुंह से मुंह लगा के दे देते हैं। तो सुखदेव जी महाराज इस भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीला का वर्णन करते करते स्वयं परमानंद में अधीर हो गए। भगवान की रसमयी लीला ऐसी है कि जो वास्तव में रसग्राही लोग हैं, जो रस के उत्सुक हैं और रसोत्सुकता परीक्षित में विशेष भाव से इस समय ये प्रत्यक्ष दिखती है, वो कहते हैं कि महाराज सुनाया जाओ, हमें तो यही सुननी है, तृप्ति होती नहीं हमारी। और परीक्षित के प्रश्न के उत्तर में वो कहते हैं तुम महाभाग हो और तुम भागवतोत्तम हो क्योंकि तुम इस लीला कथा के श्रवण में। ये परीक्षित कहता महाराज मरने का समय मैं यहाँ बैठा और अब आप मुझे वैसी बात सुनाइए कि जिसमें तात्विक ज्ञान मुझे हो जाए और मैं परमानंद रूप होकर के परमानंद में समा जाऊं। ये बात नहीं पूछी। वो कहते हैं कि महाराज बाल लीला सुनते सुनते मैं तो अघाता नहीं, लीला सुनाते रही आप, तो ये जो रसोत्सुकता है ये इस बात को प्रकट करती है कि परीक्षित अधिकारी, तो उस अधिकारी के सामने खुल गया है हृदय सुखदेव जी का, सारी लीलाएं उनके सामने मूर्तिमान हो गई और परीक्षित रसादिष्ट परीक्षित को देखकर गदगद स्वर में बोले भारत हे भरत कुल प्रदीप। इस प्रकार गोप बालक हास्य कौतुक करते हुए हंसी मस्करी विनोद करते हुए खेलते हुए सब मानो अपने आप को खो बैठे। वहां केवल श्री श्याम सुंदर और श्याम सुंदर का आनंद रस यही रह गया। और कहते हैं कि न मालूम कितनी देर लगी इसमें, ये काल का व्यवधान हम लोगों के लिए है, कितनी देर लगी इस बात का कोई पता नहीं, अनुमान नहीं हो सका क्योंकि ये तो सब आनंद में डूबे हुए थे। इस प्रकार भोजन
चल रहा, विनोद हो रहा, सबके सब गोप शिशु आनंद प्रमत्त। तो अपनी सुधबुद्ध खोए हुए थे ये, तो इनको ये ख्याल नहीं रहा इस समय कि बछड़े चल रहे हैं कि नहीं समीप में, बछड़ों को सामने ही छोड़ दिया था। तो सबकी दृष्टि थी श्याम सुंदर के प्रति और आनंद के प्रति। तो एक अब भगवान की लीला शक्ति, एक बालक ने उधर देखा तो बछड़े दिखाई नहीं दिए, जो अब तक सामने दिख रहे थे तो वो दिखाई नहीं दिए। तो सोचा कि ये कहां गए, तो उसके मन में डर हो गया। उसने कहा भैया ये बछड़े सब यहाँ पर चल रहे थे, कहाँ चले गए? सबने तो देखा, अरे बछड़े तो नहीं है, कहाँ गए बछड़े? तो श्री कृष्ण भी इस बात को समझ गए। अब ये बालक सब के सब उद्विग्न हो गए। बच्च चरत बन माहि तुम लोभित चल दूर गे, सखन लखा जब नाहि भय ते अति चक्रित भय। बालक तुरंत सब डर गए कि बछड़े खो गए तो शाम को मैयाओं के पास जाके क्या कहेंगे, कहाँ गए? हम लोग तो भोजन में इतने ही आज नया नया यहाँ पर वो बन भोजन किया और ये विपत्ति आ गई, अब क्या करें? तो छोटों की दशा कुछ जो बड़ी उम्र के थे वो बोले, अरे भैया कृष्ण देख तो सही, कृष्ण सखे सखेदासम नईको की दृश्य तो उत्साह। भैया श्याम सुंदर देख तो सही, बछड़ा कोई दिखाई नहीं देता और ये सब बच्चे ये तुम्हारे साथी सब चिंता में डूब गए। तुम मालूम होता है ये नई नई घास जो यहाँ पर उगी हुई, इसको चरते हुए ये घास के लोभ से आगे बढ़ गई, ये मालूम होता है। तो हम लोग अब सब चलें और ढूंढ लाएं, बच्चों ने कहा। तो ये बात इनकी पूरी हुई नहीं थी तो एक बच्चा, ये तो बड़े बुद्धिमान सब आप, ये तो विनोद की बुद्धिमानी। तो एक बच्चे ने, मनो बड़ा बुद्धिमान है, वो बोला, अरे कन्हैया ये सब तो पागल है, मैं तो पहले ही जानता था कि आज तक कन्हैया भैया को छोड़ करके कोई बछड़ा दूर नहीं गया, तो आज जाता कैसे? अपने आप नहीं गए वो, तुम कहते हो घास के लोभ से गए, अपने आप नहीं गए। ये तो मुझे मालूम होता है कि वो अजगर जिसको मार दिया था ना, जो कन्हैया था उसको मारा था ना, तो मार के उसको जलाया तो नहीं, छोड़ आए वैसे ही। अरे आवश्यकता थी कि बन की लकड़ियां काट के जला देते उसको, और हमने सुना है कि सांप ये हवा पीकर फिर जी उठा, तो मालूम होता है वही फिर जी उठा और वही आ गया। जो कहते कहते उसकी वाणी रुक गई, आंखों में उसके जल आ गया। दूसरे ने कहा, अरे वो ना आया हो, दूसरा भी कोई राक्षस आ सकता है, ये नए रे सब आते हैं और कन्हैया सबको मार देता है, तो कोई आ गया होगा। इस प्रकार से वो बच्चे सब संकल्प विकल्प करते हुए अपनी अपनी समझ की बात कहने लगे, पर इस बात पर सब सहमत हो गए कि भाई चलो ढूंढे। बहुत देर हो गई, सबके मुंह पर भय की रेखा खिंच गई, पर श्याम सुंदर के मुख पर कोई विकृति नहीं है, वो जैसे थे वैसे ही बस केवल खड़े हो गए। अब तक भोजन कर रहे थे, अब खड़े हो गए और कोई उद्विग्नता का कोई लक्षण नहीं, कोई चिन्ह नहीं, बस उनके वो अरुण अरुण अधरों पर उसी प्रकार स्मित मधुभाष छा रहा है, नेत्र कमलों में उसी प्रकार की उत्फुल्लता है, खिले हुए नेत्र वैसे के वैसे। उस सखाओं को डरे हुए देख करके भगवान बोले, अरे भैया डरो मत, तान दृष्टवा भय संतुष्टा नूचे कृष्णोस्य भी भयम्। डरो मत भैया, मित्रा अन्याशान मा दुर्मतिहा निश्चय वत्सकान, डरो मत, तुम सब खाओ मजे में, तुम भोजन करते रहो और मैं ढूंढ के ले आता हूं उनको अभी। ओ मित्र तुम भोजन करो, अपने मन तन को जिन डरो, बछड़न हम ले यहीं अवे, बैठे रहो लहो सुख सब है। तुम लोग सुख से बैठो खाओ भैया, और मैं अभी जाता हूँ, अभी ले आता हूँ बछड़ों को। तो नीलमणि नील सुंदर श्याम सुंदर ने कह तो दिया, पर श्याम सुंदर इनको छोड़ के चले जाएं और ये अकेले रह जाएं
ये इसमें स्वीकृति कौन देता? बोले ना ना भैया, तुमको नहीं जाने देंगे हम तो अकेले। तुम कहीं चले जाओ फिर हम मरी जाए, कोई अगासुर फगासुर कोई आ जाए तो ये वही है। और फिर भैया बात यह है कि तुमको देखे बिना हमसे रहा नहीं। हम जब रात को रहते हैं ना अपनी अपनी मैयाओं के पास, तब भी हमारे मन में तुम बसे रहते हो, और तब भी ना मालूम क्या तुमको जादू वादू जानते हो ये तो पता नहीं, पर हमको ऐसा मालूम होता है कि तुम रात को हमारे पास ही रहते हो, हमारी आंखों के सामने तुम रात को भी जब हम कभी आंख खुलते तो देख, अरे श्याम सुंदर, तो तुम कहते हो हाँ भैया बोलो। ऐसे तुम रात दिन खड़े रहते हो हमारे साथ, अब तुम हमें छोड़ के अकेले वन में चले जाओ ढूंढने, ये नहीं। सखाओं ने एक स्वर से कहा नहीं होगा, ये नहीं होगा, तुमको नहीं जाने देंगे। विचित्र भाव, श्रीदाम ने तो पीताम्बर का छोर पकड़ लिया, वह नहीं जाने देंगे। सुबल ने दोनों कंधों पर हाथ रख लिया, बोले बस रुके रहो, हिलने नहीं देंगे। ये मानो दो इनमें सरदार रहे, सुबल श्रीदाम, इन्होंने सबका मन प्रतिनिधित्व किया। अब वो भगवान ने देखा कि क्या करें, अब ये बाल माधुरी है, इनके भोजन में विघ्न पड़ेगा। अब इनके सुख से सुखी है ना, ये अपने कई दफे बात हुई है कि प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेमास्पद का सुख ही अपना सुख बन जाए ये प्रेम है। काम और प्रेम में यही अंतर है, काम चाहता है स्वसुख और प्रेम चाहता है वो प्रेमास्पद का सुख। अपना सुख दुख प्रेमी की कल्पना में नहीं आता, स्मृति में नहीं आता, वो निरंतर स्वभाव से ही सहज ही प्रेमास्पद का सुख स्वरूप बन जाता है। तो भगवान से जो प्रेम करते हैं ये बिल्कुल विचित्र बात है, भगवान उनके प्रेम की कामना करने लगते हैं, प्रेम रस की, और उनको सुखी देखने के लिए उनकी प्रत्येक सेवा को उनके इच्छा अनुरूप स्वीकार करते हैं। ये माखन चोरी, ये वन भोजन, ये स्तनपान, ये सारा का सारा इसीलिए है कि उनके प्रेमियों को सुख मिले। परंतु उनके प्रेमियों को सुख मिले ये दिखावा नहीं है, ये नाट्य नहीं। मन में ऐसा भाव ना आया हो और ऊपर से उनकी प्रसन्नता के लिए दिखाते हो, ये दंभ नहीं। स्वाभाविक श्री श्याम सुंदर इसी प्रकार के बन जाते हैं स्वयं। उनको भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, सेवा करवाना चाहते हैं, गर्मी लगती है, हवा करवाना चाहते हैं, थक जाते हैं, सेवा करवाना चाहते हैं। ये थकावट, ये श्रांति, ये भ्रांति, ये क्षुधा, ये पिपासा, स्वयं सब बन जाते हैं और बन करके स्वयं रसा स्वादन करते हैं, खुद भी कराती नहीं। तो ये सब बालक भोजन कर रहे थे और बालकों ने कहा कि हम सब जाएं ढूंढ लाएं भैया। तो श्री कृष्ण के मन में आया कि इनके सुख में बाधा पड़ेगी, तो ये भोजन करते रहें और हम चले जाएं, और उधर ये प्रेम परिपूर्ण हृदय वाले जो सब सखा हैं बालक, इनका बड़ा आग्रह कि हम जाने देंगे नहीं, पर इनको जाना अकेले ही, क्योंकि यहां दूसरा काम करना है। केवल बच्चों का हरण ही तो नहीं है ना, इन बालकों का भी हरण होना चाहिए, तभी ब्रह्मा जी की इच्छा पूर्ण होगी। और तभी एक बड़ी विचित्र बात और है, वो पूरी होगी। तो एक नई युक्ति निकाली उन्होंने, श्याम सुंदर ने नई युक्ति निकाली और बोले भैया देखो, अब ये बछड़े तो गए, अब पता है नहीं किस दिशा में गए हैं, सब साथ ही गए हैं कि अकेले अकेले कोई किधर निकल गया है, और आगे भैया बड़ा घना जंगल है, तो मान लो हम लोग सब ढूंढने जाए और कहीं तुम में से कोई खो जाए, अरे कोई अलग अलग खो जाए और शाम को न मिले तो घर जाएंगे कैसे, ढूंढो ढूंढो ढूंढ ढूंढ फिर कोई खो जाए, तो भैया तुम लोग यहीं रहो, मैं कोई दूर थोड़ी जाता हूँ। वो देखो ऊंचा टीला है ना, उस टीले पर जो देख रहे हो तमाल का पेड़, उसके नीचे खड़ा होकर सब बछड़ों को पुकारूंगा, और तुम तो रोज देखते ही हो कि जब मैं पुकारता हूं तो सब बछड़े कहीं पर दूर पर आ जाते, इकट्ठे हो जाते हैं,
तो तुम देखते रहो, तुम खाते भी रहो देखते रहो मेरी ओर। तमाल के पेड़ के नीचे उस टीले पर मैं जा करके पुकारता हूँ तमाम बछड़ों को, तो बछड़े आ जाएंगे और मैं उनको ले आऊंगा, तुम देखते रहना, इतने तुम खाते पीते रहो। अरे जहां बछड़े मेरी पुकार सुनेंगे उधर तो कूदते फांदते तुरंत आ जाएंगे मेरे बुलाते ही, तो बस मैं अभी ले आता हूँ, तुम लोग मजे में भोजन करो। अब महाराज यूं कहते हुए श्री कृष्ण श्याम सुंदर के वो बिंदा फल को लजाने वाले अरुण अधरों पर मुस्कान आ गई। अब इनकी जो मुस्कान है ना, ये तो प्रमत्त बना देने वाली, मुनि मन हारिणी, सबके विचारों को बदल देने वाली तुरंत। तो कहां तो बच्चों के मन में था कि श्री कृष्ण अकेले न जाएं, हम साथ जाएंगे, और यहां इन्होंने अकेले जाने का प्रस्ताव करके जहां जरा सा मुस्कुरा दिया कि बच्चे सब उस मुस्कुराहट में अपने आप को भूल गए। ये जहां हास्य रेखा भगवान के अधरोष्ठ पर खेलने लगती है, वहां संसार में कौन ऐसा है जो उसके वश में न हो जाए। और फिर ये बच्चा, एक एक बच्चा ब्रज का, ये तो इस मुस्कान संपत्ति का स्वामी है, इन्हीं के लिए मुस्कुराते हैं भगवान। तो कन्हैया भैया की मुस्कान देखकर मोहित हो गई ये सब के सब। और असल में ये वैसे जो अचिंत लीला महाशक्ति भगवान की है, उसकी योजना का ही एक अंश है। वो योग माया के अंचल की ये चमक है, वो नील सुंदर नीलमणि के ओष्ठों पर आकर मन एक आवरण डाल देती है, पर्दा डाल देती है, और श्री कृष्ण सखाओं के को मानो ढक देती है। क्योंकि जहां गोवत्स गए हैं ना, वहीं इनको भी जाना है। तो अगर ये आदत ना हो तो ब्रह्मा के सामर्थ्य नहीं कि इनको हर के ले जा सके। ये स्वेच्छा से श्याम सुंदर को छोड़ दें, अकेले जाएं, ये होता नहीं। तो इन पर भी भगवान ने, स्वयं भगवान की लीला शक्ति ने, माया शक्ति ने आवरण डाला। तो ये स्वजन मन मोहिनी माया होती है। भगवान की माया जो है, वो जो अविद्या माया है, जो अज्ञान का प्रसार करके जगत को तम से ढक देती है, वो और माया। और माया के जो ऊंचे स्तर हैं, जिनका लीला में विकास होता है, वो माया होती है स्वजन मन मोहिनी, और आगे बढ़कर स्वमन मोहिनी बन जाती है। भगवान के अपने मन को भी मोहित कर लेती है, स्वजनों के मन को मोहित करती है, उन पर और कोई माया नहीं चलती। तो कन्हैया भैया की जब ये बात सुनी कि भैया अकेले हम जाएंगे तो सबको ले आएंगे, तुम ठहरो, ये बात सबकी जच गई, सबने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कौन विरोध करता। अब वो भगवान जो है चले धीरे धीरे, और उसी टीले पर जा पहुंचे, तमाल वृक्ष के नीचे जा करके खड़े हो गए, चारों तरफ देखा, बाल माधुरी है इसमें सर्वज्ञता ऐश्वर्य, वो तो सेवा करता है। ये भगवान की मधुर बाल लीला में ऐश्वर्य जो है, ये सेवा करने का मौका तो ढूंढता है, पर बाधक नहीं होता। कहीं ये बीच में प्रकट हो जाए तो माधुर्य के प्रवाह में एक बांध लग जाए, तो ये माधुर्य के प्रवाह में बाधा नहीं देता, सेवा का अवसर ढूंढता है। जब कभी वो मधुरिमा में किसी प्रकार की कोई रुकावट आने लगती है, तब ऐश्वर्य उसको जरा हटा देता है, इतना ही काम करता है। तो यहाँ बाल माधुरी भगवान की खड़े हो गए जा करके, और देखा चारों तरफ, दूर दूर तक कहीं बछड़ा नहीं दिखाई दिया। तब बड़े जोर से पुकारने लगे वहां पर बछड़ों के नाम ले ले करके, और दिन तो जहां इनका संकेत पाया कि बछड़े दौड़े हुए फुदकते कूदते हुए आए, आज कोई बछड़ा नहीं आ रहा। तो सोचने लगे कि मालूम नहीं ये कहीं आसपास के घने जंगल में पहुंच गए हों और वहां मेरी आवाज न पहुंचती हो। तब वहां से उतरे और घने जंगल में प्रवेश कर गए श्याम सुंदर। वहां भी सब जगह देखा, पुकारा,
पर कहीं पर भी संधान नहीं मिला। सघन कुंजों में गए जहां निर्जन कोई प्राणी नहीं, इस प्रकार के वन प्रदेशों में गए और संकट के स्थानों में भी गए, गढ़ों में उतरे जहां ऐसे घने वृक्ष थे कांटेदार, वहां भी गए पर कहीं भी कोई बछड़ा दिखाई नहीं दिया। तो सोचा कि कहीं ये गिरिराज गोवर्धन की हरी हरी झांकी देख करके तो कहीं ऊपर न चढ़ गए हूं। तो भगवान पर्वत की ओर गए और पर्वत का प्रत्येक स्तर देखते हुए ऊपर जा चढ़े, ढूंढा गोवर्धन की एक एक गुफा को देखा, परंतु सारे प्रयास व्यर्थ हो गए, कहीं भी बछड़े मिले नहीं श्याम सुंदर को। अब ढूंढते ढूंढते न मालूम कितना समय बीत गया, गोवत्स नहीं मिले, और जब तक वो नहीं मिलते तब तक इनको विश्राम कहा, इनको भी ढूंढना है। अब माना ढूंढते रहेंगे, ये सारा जगत और जगत के बड़े बड़े तत्व के लोग भगवान को ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते पाते नहीं है। और स्वयं श्रुतियां जो ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञानमय है, वो ढूंढते ढूंढते कह देती है नई थी, ये भी वो नहीं। श्रुति भी ब्रह्मज्ञान, भगवान मिलते नहीं। आज वे भगवान स्वयं बछड़ों को ढूंढ रहे हैं और बछड़े मिल नहीं रहे। और वही झांकी क्या है, वही हाथ में ग्रास लिए हुए, वैसे कुछ उठ चले थे ना, अब हाथ मुंह धो करके कहीं बाहर निकले हैं, ऐसी बात नहीं। इत्युक्त्वाद्रिदयी कुंज गह्वरेष्वात्म वत्सकान विचिन्वन् भगवान कृष्ण सपानि कवलो ययो। ऐसे कही बन गह्वर कुंज तम करी भरी दरी तह पुंज, ढूंढत बच्छ विश्व के नाथ भोजन कवल लिए ही हाथ। हाथ में वही ग्रास है दधिवोदन का, वही अंगुलियों में अचार और फल लिए हुए हैं, उसी प्रकार बंसरी को खोसे हुए हैं कमर में, बगल में सींग दबाए बेंत दबाए, वही श्याम सुंदर उसी अन्न ग्रास से सुशोभित हुए बार बार घने घने जंगलों में, कुंजों में, गह्वरों में, पर्वत के भागों में, गिरिदरियों में गोवत्सों को ढूंढ रहे हैं, अविराम ढूंढ रहे हैं, कहीं उन विश्राम नहीं लेते। अब कहते हैं भाई, श्रुतियां कहती है सर्ववित हैं, सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ नहीं सर्वज्ञ हैं, इनके लिए देश काल का कोई व्यवधान नहीं। अमुक देश की बात न जानते हूं और अमुक भविष्य की बात न जानते हूं, ऐसा नहीं। पर यहां तो ये जिनको श्रुतियां सर्वज्ञ सर्वज्ञ कहती हैं, वे भगवान अनंत ऐश्वर्य के धाम भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं इस बाल्यावेश में न मालूम आज किस किस प्रकार का भाव प्रकट कर रहे हैं। कभी उदास हो जाते हैं, अरे मिले नहीं बछड़े, और हमारे ये सखा सब व्याकुल हो रहे होंगे और न मालूम क्या है। तो ये मानो लीला शक्ति की प्रेरणा से ये रंगभूमि में, नाट्यशाला में ये नए नए पर्दे आ रहे हैं। तो भगवान इस प्रकार ढूंढ रहे, अब मधुर लीला ये भगवान की चल रही। बात क्या हुई इस असल में कि ये अघासुर का जब विनाश हुआ और विनाश के साथ उसका परम पद लाभ हुआ, ज्योति उसके अंदर से निकली हुई श्याम सुंदर के अंतर में समा गई, देवताओं की धुंधुबियां बजी, शंख बजे, किन्नर गंधर्व सब गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, जन लोग महर लोग तपो लोग सब प्रज्वलित हो उठे। तो ब्रह्मा जी इस आश्चर्य को देखने के नीचे उतरे और ब्रह्मा जी ने सब कुछ देखा। यहाँ दो भाव हैं, दोनों ही भाव ग्राह्य हैं, पर मधुर भाव वाले लोग दूसरे को अधिक ग्राह्य मानते हैं। ब्रह्मा को मोह हो गया, मोह तो दोनों ही मानते हैं। एक वर्ग के विद्वान मानते हैं कि ब्रह्मा जी को मन में संदेह हो गया, ये भगवान है कि नहीं। वहां तक तो ठीक, अघासुर को मार दिया, ऐश्वर्य था ना, अघासुर को मार दिया और अघासुर के अंदर से ज्योति निकली, भगवान में समा गई, यहां तक तो कोई संदेह की बात नहीं, बड़ा ठीक। पर ये बच्चों के साथ इनकी ये क्रीड़ा देखी, इस प्रकार खेलना और उन्मत्त हो जाना और बच्चों की तरह से ये चेष्टा करना,
भागना दौड़ना कूदना ये सब करना, हंसना हंसाना, विरोध करना, उच्छिष्ट देना लेना इत्यादि। तो ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया कि पता नहीं कहीं हम मोह में तो नहीं हैं, पड़ गए उल्टा मोह में, हम मोह में तो नहीं हैं, जरा परीक्षा करके देखें। ये एक चीज। दूसरा वर्ग मधुर भाव का, वो कहता है नहीं नहीं, ब्रह्मा जी को संदेह नहीं हुआ, मोह तो अवश्य हो गया कि उन्होंने भगवान के वत्सों को और भगवान के सखाओं को हरण करने की माया से काम लेना चाहा, ये मोह हुआ। पर वो मोह हुआ इसीलिए कि भगवान की लीला माधुरी को और देखें, संदेह से नहीं। हम मोहित कर देंगे इनको, मुग्ध कर देंगे, हर ले जाएंगे अपनी शक्ति से, ये मोह हुआ। तो ब्रह्मा जी जो थे वहां पर, जब उन्होंने लीला रस को देखा तो ये लीला रस पान तो कभी समाप्त होता नहीं, और ये भोजन करने के बाद ये लीला जरा समाप्त हो जाएगी, फिर दूसरी न मालूम कैसी लीला होगी। तो उनकी रसपान की जो लालसा थी ब्रह्मा जी की, ये और भी प्रबलतम हो गई। उन्होंने सोचा कि भाई इस कृपा का एक कण अगर मुझे फिर प्राप्त हो जाए, ये तो इनके भाग्यशाली प्राप्त करने योग्य अधिकारी तो ये गोप बालक हैं, मैं तो हूं नहीं। ये कहेंगे पीछे ब्रह्मा जी अपने स्तवन में, वो चाहेंगे कि मैं इस ब्रज में गोकुल में कुछ भी बना दिया जाऊं। तो ये अभी मानते हैं कि इसका अधिकारी तो ही है, मैं अधिकारी नहीं, पर किसी प्रकार से मैं देख सकूं ऐसी कोई नवीन विचित्र लीला इनकी हो जिसमें रस टपकता हो, तो लीला माधुरी का कुछ किंचित और भी आस्वाद मिल जाए और मैं कृतार्थ हो जाऊं। तो ये इच्छा, ब्रह्मा जी की इच्छा भगवान के मन में प्रतिफलित हो, ये प्रतिबिंबित हो गई। भगवान निरीह हैं, भला इच्छा रहित हैं। प्रेमियों की, भक्तों की इच्छा ही भगवान की इच्छा बन जाती है, और भगवान की इच्छा और इच्छा की पूर्ति दोनों साथ होते हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि हम इन बछड़ों को कहीं माया से मुक्त करके छिपा दें, और छिपाने के बाद देखें ये क्या करें, और ये कहीं इधर उधर हो जाए तो उन बालकों को भी छिपा दें, फिर देखेंगे ढूंढने में कैसी कैसी बाल माधुरी ये दिखलाते हैं। ब्रह्मा जी के मन में बाल माधुरी देखने की आई, ऐश्वर्य से तो उनको ऐसी बात नहीं, ऐश्वर्य तो रोज ही देखते हैं। तो ये भगवान की जो बृहत्ता है, सर्वेश्वरता है, विश्व कर्तृत्व है, ये जगत सृष्टित्व है, ये सबका अंतर्यामित्व है, निर्विशेषत्व है, ये उनके ऐश्वर्य को प्रकाश करता है, और इनमें उनके स्वरूप का संकेत भी प्राप्त होता है। तो परंतु इसमें माधुर्य का विकास नहीं होता, माधुर्य का विकास तो होता है एकमात्र मुग्धता में, ऐश्वर्य प्रकाश में नहीं। जब भगवान स्वयं मुग्ध हो जाते हैं स्वयं किसी रस के द्वारा, तब वहां पर ये आनंद माधुर्य का प्रकट होता है, और वे जब इस माधुर्य के सागर में जब अवगाहन करते हैं भगवान, तो वहां दो चीज होती है, मिलन और विरह, संयोग विप्रयोग, ये दो मानो इस मधुर सरिता के विमल तट हैं। तो इन पर जब ये मधुर मधुर लीला करते हैं, तब वो असीम माधुर्य सिंधु जो है वो छलित होकर और वो विश्व को प्लावित कर देता है। उस समय जो जो रस माधुरी के अनुरक्त लोग हैं, वे लोग उसमें अवगाहन करके सुखी होते हैं। तो राजा यदि अपने आसन पर बैठा हुआ शासन करे, इसमें कौन बड़ी बात है, पर वो जब छोटा बनकर छोटों के साथ खेले, तब उसकी विशेष महत्ता होती, चमत्कार होता है। तो स्वयं भगवान इस पुण्य भोजन लीला में, वन भोजन लीला में गोप बालकों के साथ जिस प्रकार मुग्ध होकर के लीला करते हैं, इसमें विशेष माधुर्य का विकास, छोटे बच्चे बन गए।
कि नारायण रूप से जब वैकुंठ में बैठते हैं और जब सारे के सारे देवगण आकर के वेद मंत्रों से इनका आराधन करते हैं, स्तवन करते हैं, उस समय कोई खास बात नहीं, माधुर्य नहीं। तो ये ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐश्वर्य तो हम बहुत देखते हैं, जब जब कभी कोई विपत्ति आती है जाके स्तवन करते हैं, ये भगवान कहते हैं विपत्ति नाश हो जाएगी, आकाशवाणी होती हम समझ लेते हैं कि हो जाएगी नाश, ईश्वर है, सर्वलोक में ईश्वर है। लेकिन आज जो हमने देखा, ब्रह्मा जी ने सोचा कि आज जो हमने देखा ये तो पहले कभी नहीं देखा। इस प्रकार की मधुरिमा, इस प्रकार का मीठे रस का प्रवाह ये तो आज ही देखा और इससे मन भरा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा अहंकार जो है ये रहा ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई कुछ और देखें, कुछ और करें। तो बछड़े इनको बड़े प्यारे, ये स्वयं घास छील छील करके नरम नरम तोड़ तोड़ करके और बछड़े के गले में हाथ डाल लेते, एक पुचकारते, सहजते, सहलाते और मुंह में घास दे देते उसके घास का, बड़ा आनंद आता इनको। और ये छोटे छोटे बछड़े दूध पीने वाले भी थे, तो उनके मुंह से जो घास आधा चावा हुआ फेंक गिर जाए उसको उठा के फिर मुंह में दे देते। तो ब्रह्मा जी ने ये सब देखा, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये लीला बड़ी मधुर थी, ये हम फिर देखें। तो यहाँ एक शंका उठी कि भाई ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम अपनी माया से इन बछड़ों को मोहित करके हर ले जाएं, और भगवान ने गीता में कहा है दैवी हिषा गुण मई मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेतांतरंति थे, जो मेरे प्रपन्न हो जाते हैं वे इस माया से तर जाते हैं। तो कहां प्रपन्न होने वाले माया से तर जाएं जिनके साक्षात्कार नहीं है, और यहाँ तो स्वयं भगवान साथ हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, ये बच्चे भी माया से मुक्त हो जाएं, ये कभी संभव है? बोले ना ये संभव नहीं। तब बोले ये माया से मुक्त क्यों हुए, और बछड़े भी हुए और फिर वो बालक भी हुए, क्या हुआ कि इधर जब वे बछड़ों को ढूंढते ढूंढते रहे तो उधर ब्रह्मा ने देखा कि एक काम और करो, इन बालकों को और ले जाओ। तो बालकों के भी मन में भगवान की लीला शक्ति ने ऐसी अद्भुत प्रेरणा की कि उन पर आवरण आ गया, वो भी ब्रह्मा को नहीं देख सके और ब्रह्मा जी की माया से नहीं भगवान की इच्छा से विमुग्ध होकर वे भी ब्रह्मा जी के द्वारा हरे गए, और जहां पर वो बछड़े थे वहीं पर उनको भी ब्रह्मा जी ने सुला दिया। तो इसमें तीन चीज थी, इसमें भगवान की इस लीला शक्ति के प्रकाश में जो ब्रह्मा जी के अहंकार के रूप में प्रकट हुई, तीन चीजें थी। एक चीज तो थी ब्रह्मा जी की लीला दर्शनेच्छा, बड़ी सुंदर चीज ये, किसी प्रकार हम लीला देखें, ये रस भरी लीला देखें। दूसरी चीज उनको याद आ गई, बड़ी मधुर चीज, ये भगवान जब छोटे से बच्चे ये मैया की गोद में खेलते, मैया दूध पिलाती, मैया लाड़ लड़ाती, तो ये गोपियां वहां पर पहुंच जाती और अतृप्त नयनों से ये देखती रहती गोप सुंदरियां उनको, और मानो अपने मन के भाव श्री श्याम सुंदर के हृदय पर अंकित करती चली जाती। उनके मन में उत्कंठा होती कि यशोदा की मां थी, हम भी दूध पिलावें, हमारा भी स्तनपान करे, हम भी अपने हृदय से जैसे यशोदा बच्चे को लगाती हम भी लगा लें, और किसी प्रकार ये हमारी गोद में वैसे ही खेलें जैसे इनकी गोद में खेलते हैं। तो बिचारी बार बार कहती कि मैया जरा हमें दे देना, एक बार हमें दे दे मैया। नेक गोपाल ही मोको देरी, देखो बदन कमल नीके करी, ता पाछे तू कनिया लेरी। ये कहती कि मैया एक बार दे दे, एक बार कन्हैया हमारी गोद में आ जाए और मैं जरा अच्छी तरह से इनके मुख कमल को देख लूं, फिर तू गोद ले लेना। अति कोमल कर चरण सरूर, अधर दसन नाशा सौहरी, लटकन शीश कंठ मणि भ्राजत, मनमत कोटि वार ने गैरी, बासर निशा विचारती हूं सखी।
ये सुख कब पायो मेरी निगमनि धन सनकादिक सर्वस बड़े भाग्य पायो है तेरी। यशोदा से कहती, मन ही मन कहती, कभी कभी रो कर कह भी देती कि यशोदे तेरा बड़ा भाग्य है, जो वेदों की संपत्ति है, जो सनकादि मुनियों का सर्वस्व है, वो तेरी गोद में खेल रहा है। ये सुख मुझे तो कभी नहीं मिला। जाको रूप जगत को लोचन कोटि चंद्र रवि लाजत हैरी, सूरदास बलि जाए यशोदा गोपिन प्राण पूतना बैरी। पूतना के बैरी गोपियों के प्राण, इन पर उनकी आंखें अटकी रहती, लोचन अटके रहते, कभी ये हमारे, हम इनको गोद में ले लें, हमारे बच्चे बन जाएं, हमारा स्तनपान करें। ललना लैले उछंग अधिक लोभ ला गए, निरखत निंदत निमेश करत वोट आ गए। निमेशों को तुलाहना देती कि आंखों की पलक क्यों बन गई, श्याम सुंदर इतनी देर के लिए भी सामने से क्यों हट जाते हैं। संध्या हो जाती, नंदरानी कहती जाओ भैया तुम लोग अपने घर चले जाओ, और वो अपना बच्चे को लेकर के श्याम सुंदर को अंदर चली जाती। ये बिचारी देखती रह जाती, ये बोलती नहीं। अब वो शरीर तो इनका आता पर मन वहीं रह जाता श्याम सुंदर के पास, घर के काम में लगती, घर का काम होता नहीं, और मन ही मन प्रार्थना करती है, भगवान हे विधाता, अगर हमने कभी कोई पुण्य किया हो और अगर हम पर तुम्हारी कृपा हो तो यशोदा नंद हमारे कभी पुत्र बन जाए, और ये बजरानी की तरह हम भी कभी उनको बेटा समझ करके अपनी गोद में लें। इस प्रकार फिर ये बचाचाने जब जाने लगे तो इनकी आकुलता और बढ़ी, तो भगवान के मन पर अंकित हो गई ये बात कि इनका बेटा बनना है। अब कैसे बेटा बने ये बात आगे की रही। अब ये दशा तो गोपांगनाओं की, और गायों की दशा, ये ब्रज की गायें हैं जो हैं, ये मामूली थोड़ी हैं, ये मूक पशु, ये राशि राशि गायें, गिनती नहीं है, सबके अलग अलग बछड़े। सो ये भी जब श्री श्याम सुंदर को देखती तो इनका स्नेह रस उमड़ पड़ता, पर इनके पास तो भाषा नहीं। ये बिचारे मूक पशु अपने मन की बात कह सके नहीं, नंदरानी को भी कैसे कहें, गोपियों ने तो इशारे से कह दिया, वाणी से भी कह दिया। ये बड़ी विचित्र उत्सुकता को लेकर के हांबा रव करती, इनके स्तनों से दूध बहने लगता, और मन ही मन ये कहती कि अब ये बछड़े कैसे बने। अरे ये श्याम सुंदर कभी कभी ये कृपा करते हैं, मुंह लगाकर किसी किसी गाय के थन के दूध पी लेते हैं, पर वो तो कोई कोई भाग्यवती होती, ऐसा तो नहीं कि ये हमारे बछड़े ही बन जाए। कभी कभी स्नेह उमड़ता तो जैसा जीभ निकाल के चाट लेती है श्याम सुंदर को, पर साथ ही ये मन में डर लगता कि हमारी जीभ तो बड़ी खरखरी तीखी, और कहीं श्याम सुंदर के श्री अंगों में क्षत लग गया, आघात हो गया तो अरे छिल जाएगा कहीं हमारी कड़ी जीभ, और इनके कोमल कोमल सारे के सारे अंग जीवा बिचारी समेट लेती, सूंघ कर शांत हो जाती, सूंघती केवल सूंघ के शांत हो जाती। वो एक अंतर्यामी जान पाते इस बात को कि इनके मन में क्या है, तो इच्छा होती जब वो गायें देखती गोधूलि धूसरित, अपने ही पैरों से उड़ी धूल से भगवान का श्याम सुंदर रंग सारा धूसरित हो रहा है, तो वो चाहती जाए इनको, इसको चाट लें, पर डर जाती। और यशोदा मैया पास रहने देती बहुत देर तक, गायों के कहती कोई गाय मार देगी, तो ये बिचारी इस प्राकृतिक बंधन में बंधी हुई सोचती रहती कि कभी श्याम सुंदर हमारे पास भी रहें, पर असंभव मानती कि ये क्यों बछड़े बने और क्यों हमारे पास रहें। तो ये तीन बातें भगवान श्याम सुंदर के मन में आई, ब्रह्मा को रसलीला दर्शन कराना, गोप रमणियों के पुत्र बनकर उनको स्नेह दान करना, उनके स्नेह को लेना, और गायों को परितृप्त करना उनके बछड़े बनकर। ये तीन अभिसंधियों को लेकर के भगवान की लीला शक्ति ने ब्रह्मा के मन में प्रेरणा की, और स्वयं योग शक्ति ने इनको मोहित किया, बछड़ों को और गोप बालकों को नहीं। ब्रह्मा के सामर्थ्य नहीं कि ब्रह्मा की माया इन्हें मोहित कर सकती,
भगवान के प्रपन्न हो जाने वाले माया से तर जाते हैं, तो भगवान के समीप रहने वाले ये बछड़े और वत्स, ये गोप बालक, इन पर ब्रह्मा की माया कुछ काम करे, इन्हें मोहित कर सके, ये असंभव बात। परंतु ब्रह्मा का अहंकार थोड़ा वहां पर, उस अहंकार ने यही समझा कि हमने ये काम किया। तो इस प्रकार से वो भगवान श्री कृष्णचंद्र जब यहाँ आए और यहाँ आकर के देखा कि ये तो यहाँ पर हमारे सब भाई भी नहीं, सबको सब कहाँ चले गए, तो देखा भाई कहीं लुक छिप गए होंगे तो इनकी चीजें देख लें। तो वो जो पत्तने बिछी थी, वो जो छींके थे, वो सामान था, उन्होंने जूतियां अलग अलग खोल के अपनी, कोई कोई जूती लाया था, सब तो नहीं लाए थे, खोल के रखी थी, उनकी छड़ियां थी, उनकी बेंते थी, उनके सिंगे थे, देखा तो कोई नहीं, कोई भी चीज नहीं। अब तो श्री कृष्णचंद्र बाल्य माधुरी, अब यहाँ विशुद्ध सख्य रस उनका फिर जागृत हो गया। अकेला आ गया और हमारे बच्चे कहाँ रह गए, तो मैं कैसे बोलूंगा, क्या करूंगा, कुछ भी बात मन में नहीं आई। तो ये बच्चों को पुकारने लगे, उदास हो करके पुकारने लगे बच्चों को, ये बाल लीला भगवान की। तो बोलने लगे, अरे अरे भैया आओ, अरे सुबल, अरे श्रीधाम, बहुत देर हो गई, सूर्य अस्त होने जा रहा है, और अरे आओ ना भैया, आ जाओ, कहाँ तुम लोग खो गए, कहाँ चले गए, देखो मैं हैरान हो गया और मेरे तो प्राण नहीं रहे, तुम लोग जब गए तो फिर मैं ही रह के क्या करूंगा। उदास हो गए और अत्यंत मन में इनके विषाद छा गया। अब जिनका नाम लेने से, जिनके नाम के आभास से सारा विषाद शोक भय सदा के लिए मिट जाता है, जिनके स्मरण के क्षेत्र में ये सब दुर्भाव नहीं आ सकते, नहीं टिक सकते, वे स्वयं मनोहर बाल लीला प्रमत्त भगवान श्याम सुंदर ये बछड़ों को और उन सखाओं को न पाकर विषादग्रस्त होकर पुकारने लगे, पर कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तब इनकी ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि अब अगला काम करना चाहिए, माधुर्य में बाधा पड़ रही, नमामि कितनी देर तक चलता रहेगा ऐसा आडंगा। तो भगवान के मन में आ गया, मन में आ गया भगवान के कि ये सब जो कुछ है ये ब्रह्मा का कार्य है।